हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर वोगा किचन। और मैं हूँ सुमित। आज हम लोगों ने मसाला पनीर पिज़्ज़ा बनाया है। वैसे इस पिज़्ज़ा का एक और नाम हो सकता है, वो हो सकता है चिल्ली पनीर पिज़्ज़ा, लेकिन हम मसाला पनीर पिज़्ज़ा ही इसे रखेंगे। इसे हमने कढ़ाई में बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसे हमने ओवन में नहीं बनाया है, कढ़ाई में बनाया है। बड़े ईजी प्रोसेस से बनाया है, कोई भी इसे बना सकता है। तो चलिए इसे बनाते। इसका टेस्ट उन लोगों को अच्छा लगेगा जिन लोगों को पनीर का टेस्ट अच्छा लगता है। मसाला पनीर भी आज हम इसी वीडियो में बनाने वाले हैं, यानी कि आप इस वीडियो में आज डबल रेसिपी सीखेंगे। सबसे पहले हमें लेना है जी थोड़ा सा ऑयल, लगभग एक चम्मच ऑयल है, लगभग एक चम्मच बटर है, बस इतना काफ़ी है। अब हमें लेनी है 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली का पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1/4 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इस सभी चीज़ों को हमने अच्छे से जी मिला लेना है। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। और हाँ, जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसाला चाहिए वो 1/4 टीस्पून के जगह पर 1/2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। और इसमें अब हमने 100 ग्राम अपना पनीर डाल दिया है। थोड़ा सा बस हमें इसे चलाना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट आप इसे बस चलाएं। अब जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मसाला पनीर चाहिए ये उनके लिए रेडी है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा क्रीमीनेस भी चाहिए, तो उसके लिए इसमें अब मैंने दूध भी ऐड किया है, 1/2 कप दूध है। जिन लोग को थोड़ा सा क्रीम कम चाहिए ना, वो 1/4 कप भी दूध डाल सकते हैं। अब इसे हमने जी हाई फ्लेम करके थोड़ा सा चला लेना है गाढ़ा होने तक। ये जैसे ही गाढ़ा हो जाएगा इसका तेल अलग अलग छूटने लग जाएगा। ये देखिए अब ये बिल्कुल ही रेडी है। अब हम अपनी सब्जी को रेडी कर चुके हैं, अब हम अपने पिज़्ज़ा को रेडी करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे आज सुमित ने डिटेल में नहीं बताया, बड़ा ही फास्ट में कर दिया। तो भैया, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए मैंने इसे ऐसे बनाया है। 2 बड़े चम्मच मैंने पिज़्ज़ा वाली सॉस लगा दी है अपने पिज़्ज़ा बेस के ऊपर में। इसके ऊपर में अब जाएगा जी चीज़। ये अमूल ब्रांड का मोज़रेला प्लस शेडर चीज़ है, जो कि पिज़्ज़ा चीज़ होता है। अब इसके ऊपर में हमने अपना पनीर का मसाला एंड पनीर ऑल सब कुछ ये हमने डाल देना है। थोड़ा सा ऊपर से सॉल्ट आएगा, ओरिगैनो की सीजनिंग आएगी, ये थोड़ी सी नहीं आएगी, ये ज़्यादा सारी आएगी। इजी लाइफ ब्रांड की है सीजनिंग। और इसके ऊपर से हमने चीज़ डाल दिया है और ऊपर से बनारसी लाल मिर्च। आपको बता दूँ, बनारसी लाल मिर्च से ही एलपिनोस बनाए जाते हैं, आपको पता ही नहीं था, है ना। अब हमने जी थोड़ा सा घी डाला है अपनी एल्युमिनियम की कढ़ाई में, लगभग 1.5 चम्मच, और इसी के अंदर में लगभग 1.5 चम्मच ही हमने पानी भी डाल दिया है। अब पानी चाहे तो 1 चम्मच कर सकते हैं और 2 चम्मच घी को कर सकते हैं, नो इश्यूज। लो फ्लेम है अभी हमारी, हाई फ्लेम अभी एकदम भी नहीं करनी है, मीडियम भी नहीं करनी है, लो फ्लेम है। लो फ्लेम के ऊपर में ही अब हम अपना पिज़्ज़ा इसके अंदर में रख देते हैं। और अब हमने अपनी कढ़ाई को ढक देना है लो फ्लेम में ही, 10 से 12 या 13 मिनट के अंदर में बन जाएगा आराम से। अब इसका हमने ढक्कन लगा देना है। मुझे तो सबसे आसान तरीका कढ़ाई में बनाना लगता है। मेरे घर पे ओवन भी है, तंदूर भी है, बारबेक्यू भी है, सब कुछ है, लेकिन माइक्रोवेव भी है, लेकिन कढ़ाई में सबसे आसानी से बनता है, सबसे टेस्टी बनता है। अब 13 मिनट के बाद में इसे मैं खोल रहा हूँ और देखता हूँ ये अभी तक पका है कि नहीं। पक चुका है जी, पूरा अच्छी तरीके से पक चुका है, सारा चीज़ मेल्ट हो गया है। हाँ, कढ़ाई में बनाने का एक चीज़ है, नीचे से ब्राउनिश हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है, टेस्टी लगता है, लेकिन जलेगा नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर में पानी भी डाला है, इसलिए जलने का सवाल पैदा नहीं होता। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कितने आराम से मेरा एकदम निकल रहा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं।
ये देखिए नीचे में चिपका भी नहीं है कहीं पर भी, आपको कढ़ाई में नजर आ रहा है नहीं ना। अब मैंने इसे निकाल दिया जी एक बोर्ड के ऊपर में, अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगा। चार हिस्सों में इसकी मैंने कटिंग की है, दिखने में अमेजिंग लग रहा होगा, खाने में ज्यादा अमेजिंग लगेगा, बहुत ज्यादा ये टेस्टी है। अब इसे बनाएं अपने घर पे एक बार, इसका इंजॉय करें। ऐसे ऐसे पिज्जाज, ये फ्यूजन वाले पिज्ज़ा है, ये कोई नॉर्मल वाला पिज्ज़ा नहीं है, फ्यूजन वाला पिज्ज़ा है जिसमें हमने पनीर को ग्रेवी के साथ में बनाया फिर पिज्ज़ा के ऊपर में डाला, तो ये एक फ्यूजन है। बहुत जगहों पर ऐसे ऐसे पिज्ज़ा फ्यूजन वाले बनाए जाते हैं और टेस्टी टेस्टी लगते भी हैं, आप भी बनाएं। लव यू ऑल, आप तो जानते ही हो ना, आई लव यू ऑल, बाय बाय।